न्यूज इंडिया सिर्फ खबरें ही नहीं दिखाता, अपने सामाजिक सरोकार भी निभाता है। जहां समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए एक बार फिर से न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है और एक बेबस विधवा जो कि अपना सब कुछ गंवा चुकी थी उसे राहत दिलाने में न्यूज इंडिया ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दरअसल मामला बाड़मेर जिले के चांदे का पार गांव का है, जहां हाल ही में अपने नाबालिग बच्चों के साथ गुजर बसर कर रही एक विधवा महिला के घर में आग लग गई थी। जहां सीमांत इलाके में दमकल की व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके और आगजनी में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। जब वो बेसारा विधवा अपने उसके नाबालिग बच्चे खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हो गए थे, जिसके बाद सामाजिक संगठन और आम लोग न्यूज इंडिया पर खबर देख पीड़ित महिला की मदद के लिए आगे आए और आर्थिक सहायता देकर संबल प्रदान किया। तो वही युवा चौपाल ट्रस्ट ने न्यूज इंडिया को धन्यवाद देते हुए पीड़ित महिला को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। ट्रस्ट के प्रतिनिधि भेरराम भाकर ने कहा कि न्यूज इंडिया की खबर के माध्यम से घटना की जानकारी मिली, इसलिए ट्रस्ट के सभी प्रतिनिधियों ने बैठक आयोजित कर विधवा की मदद करने का निर्णय लिया। आपको बता दें न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला, जहां कई लोगों ने विधवा महिला की मदद की है। युवा चौपाल ट्रस्ट ने महिला को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद की। तो वही न्यूज इंडिया ने सामाजिक सरोकार भी निभाया। हमारे संवाददाता रहमतुल्ला खान हमारे साथ जुड़े हैं। जी रहमतुल्ला, बाड़मेर की खबर न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी, ब्रेकिंग चलाई थी, जहां एक विधवा महिला का पूरा घर जलकर खाक हो गया था। अब खबर देखकर कई ट्रस्टी और कई लोग मदद के लिए सामने आए हैं महिला की, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए बिल्कुल, हाल ही में एक बाड़मेर जिले के चांदी का पार गांव है, वहां पर एक्चुअल में क्या है कि एक विधवा महिला के घर में आग लग गई थी, उसके नाबालिग बच्चे थे और उसके घर में आग लग गई थी। बिल्कुल आग से पूरा सामान, घर का सामान था, बर्तन खाने का सामान प्लस उसके साथ जो गहने थे वो जलकर नष्ट हो गए थे। उसके बाद में जैसे ही न्यूज इंडिया के पास खबर आई थी, न्यूज इंडिया ने खबर दिखाई, प्रमुखता से खबर दिखाई थी और खबर देखने के बाद जैसे ही वो खबर पहुंची लोगों के पास पहुंची, तो तमाम जो सामाजिक संगठन है वो जो मदद करने के लिए तैयार हो गए। एक बाड़मेर जिले का जो सामाजिक संगठन युवाओं का, तो वो जो है तैयार हो गया और वो उन्होंने पहुंच करके वहाँ जो महिला थी, विधवा महिला के घर पहुंच करके 35,000 रुपए की आर्थिक रूपये की जो है सहायता की है और उसके बाद में तमाम और भी संगठन वो भी तैयार हो रहे हैं। तो यानी कि न्यूज इंडिया के माध्यम से तमाम जो लोग हैं उनके पास खबर पहुंची, इसका खबर का यानी न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ। जो वहां पर जो भेराराम भाकर है वो उनके साथ में तमाम उनके जो प्रतिनिधि, उन्होंने पहले बैठक की, उसके न्यूज के बारे में, घटना के बारे में जानकारी ली, क्यों उनको घटना की जानकारी न्यूज इंडिया के माध्यम से चली और न्यूज इंडिया के माध्यम से जैसे ही घटना की जो जानकारी चली है उसके बाद में वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने मालूम किया कहां पर क्या घटना हुई है, फिर विधवा महिला के घर जो चांदी का पर गांव है वहां पर पहुंचे, तब जाकर उन्होंने 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता की। ये जो संगठन है उनका, जो सामाजिक संगठन, तमाम जो मानवीयता के जो तमाम लेकर के जो सहायता की जाती है उसके लिए ये जो संगठन उनका जो है बना हुआ। जी कृतिका जी रहमतुल्ला, क्या प्रशासन के संज्ञान में भी इस मामले को लाया गया है अभी? बिल्कुल, प्रशासन के संज्ञान में मामला लाया गया है, रिपोर्ट की है, तमाम वहाँ के स्थानीय उपकरण अधिकारी राम सर है उनको जो है इसकी जो है रिपोर्ट की है, उन्होंने जो अभी प्रोसेस बताया जा रहा है कि प्रक्रिया चल रही है, जिला कलेक्टर के पास में जो है जाएगी, ये प्रक्रिया जा रही है, यानी कि प्रोसेस चल रहा है अभी फिलहाल। इस पर आर्थिक सहायता प्रशासन की तरफ से अभी फिलहाल नहीं हुई है, बताया जा रहा है कि ऐसी खबर आ रही है कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई प्रशासनिक अधिकारी ने कोई बयान नहीं
किया, न ही प्रशासन अधिकारी वहां पर पहुंच करके उन्होंने जायजा लिया है, न ही अभी तक किसी प्रकार की कोई सहायता मिली प्रशासन की तरफ से। जबकि प्रशासन की तरफ से अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो तुरंत उसको सहायता मिलनी होती है, मिलनी चाहिए प्रशासन की तरफ से, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सामाजिक संगठन ने जरूर न्यूज इंडिया के माध्यम से उनको घटना की जानकारी मिली, उन्होंने जरूर अपनी तरफ से जो मदद की है। जी कृतिका जी, धन्यवाद रहमतुल्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो वही हमारे साथ समाज सेवी शोभदार भी जुड़े हैं। शोभदार जी, न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, विधवा महिला की सहायता भी की है समाज संगठन द्वारा, क्या कुछ सहायता की गई है उनकी? बिल्कुल मैडम, न्यूज आपके न्यूज इंडिया की तरफ से जब खबर लगी उसके बाद से जाट ट्रस्ट है, जाट युवा चैरिटेबल ट्रस्ट राम सर जी, उसकी ओर से इस विधवा को आर्थिक सहायता के रूप में 25,000 रुपए दिए गए हैं जी। उसके अलावा छोटे बच्चे हैं, उनके पूरा सामान जलकर खाक हो गया है, पूरा घर जलकर खाक हो गया है। बहुत ही एक अच्छी पहल की है सामाजिक संस्था ने, उनको मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए, लेकिन साथ साथ आप लोगों की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन के द्वारा भी उनको मदद दिलाई जाए, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? हाँ, प्रशासन में निचले स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी है जी। हल्का पटवारी और हल्का पुलिस थाना आया था और मौका मुआयना करके और मौका पर रिपोर्ट बना करके और कागज एसडीओ ऑफिस पहुंचाए हैं। अब आगे ये जिला कलेक्टर तक जाएंगे और उसके बाद कोई सहायता राज्य गवर्नमेंट की ओर से कोई मिलने की संभावना है जो मिलेगी जी। धन्यवाद शोभदार जी, आपने हमारी खबर देखकर इस पे संज्ञान भी लिया और प्रतिक्रिया देते हुए महिला की मदद भी की। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक और सामाजिक कार्यकर्ता भैरा राम जुड़ चुके हैं। भैरा राम जी, आपने भी महिला की मदद के लिए आगे आए हैं, आर्थिक मदद की है, और आगे आपका क्या विचार है और महिला की मदद का? जी मैडम, ये हमारी संस्था बाड़मेर में 250 लोगों की संस्था है, युवा चार चौपाल ट्रस्ट, और जी न्यूज की खबर देखकर हमें ये पता चला कि ये परिवार वास्तव में गरीब है, इनके पति की 1.5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, ये विधवा महिला है, इनके नाबालिग छोटे बच्चे हैं और आग से पूरा घर स्वाह हो गया है, पूरा परिवार आसमान पर आ गया है। तब हमारी संस्था के लोगों ने ग्रुप में चर्चा करके और प्रस्ताव पारित किया कि इस विधवा महिला की मदद होनी चाहिए, और हम पिछले 3 साल से ऐसे परिवारों की मदद करते आ रहे हैं, उसी कड़ी में इस परिवार की हमने 25,000 रुपए की मदद की, और आते वक्त हम राम सर जो इनका एसडीएम बैठते हैं उनसे भी हमने आग्रह किया था कि आप जो सरकार की मापदंड अनुसार उनको जो सहायता मिलनी चाहिए वो कागज तैयार कर रखे और जिला कलेक्टर द्वारा इनको तत्काल सहायता मुहैया करावे, और वहाँ के लोग थे, हमने उनको भी प्रेरित किया कि आप भी अपने स्तर पर ऐसी व्यवस्था करके कुछ सामान और आर्थिक व्यवस्था करके इस परिवार को संबल प्रदान करावे। जी बिल्कुल भैरा राम जी, आपने बहुत ही अच्छी एक पहल की है। फिलहाल इस जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।